क्रिकेट में एक कहावत है, कैचेस विन मैचेस, लेकिन शायद पाकिस्तान ने ये कहावत नहीं सुनी। अब कल का मैच ही देख लीजिए, पाकिस्तान अक्सर भारत की बराबरी करने की कोशिश करता है, लेकिन वर्ल्ड कप में अगर उसका हाल देखा जाए तो एक तरफ जहां भारतीय टीम विजय रथ पर है सवार, वहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की लगातार हो रही है हार, और खराब फील्डिंग तो सोने पर सुहागा है। वैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम और उनकी खराब फील्डिंग का सिलसिला वर्ल्ड कप 2023 में भी जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फील्डिंग को देखकर पाकिस्तानी फैन से लेकर पाकिस्तानी दिग्गज तक हर कोई नाराज है। इसीलिए पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने अपनी टीम की फील्डिंग की जमकर आलोचना की। आलोचना क्या, शोएब अख्तर ने तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की धज्जी ही उड़ा दी। शोएब अख्तर ने सोशल मीडिया के सबसे फेमस प्लेटफॉर्म्स में से एक एक्स पर पाकिस्तान टीम की फील्डिंग की आलोचना की। शोएब अख्तर ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, आप चांस तो वैसे भी नहीं बना पा रहे, कम से कम जो बल्लेबाज खुद मौका दे रहे हैं वो तो पकड़े, आप इतने कैच नहीं छोड़ सकते। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान ने कल कुल 3 कैच टपकाए, जिसमें से 2 कैच डेविड वार्नर के थे। हाँ, वही डेविड वार्नर जिन्होंने कल पाकिस्तान के खिलाफ 163 रन की तूफानी पारी खेली थी। ओसामा मीर ने तो डेविड वार्नर का एक कैच सिर्फ 10 रन पर ही छोड़ दिया था। अब आप खुद सोचिए, यहाँ पाकिस्तान कैसे नहीं हारती। अब अगर मैच की बात करी जाए, बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन उनका ये फैसला उस समय गलत साबित हुआ जब ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर मिचेल मार्श और डेविड वार्नर ने शतक लगा दिया। मिचेल मार्श और डेविड वार्नर ने मिलकर पाकिस्तानी गेंदबाज की बखिया उधेड़ दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 259 रन की साझेदारी की। इसमें डेविड वार्नर ने 124 गेंद पर 163 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 14 चौके और 9 छक्के लगाए। वहीं मिचेल मार्श ने 108 गेंदों में 121 रन बनाए। इस दौरान मिचेल मार्श ने 10 चौके और 9 छक्के लगाए। 360 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम 45.3 ओवर में 305 रनों पर ही ढेर हो गई और 62 रन से मैच हार गई। आपको बता दे, पाकिस्तान की ये वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी हार थी, पहली भारत से और दूसरी कल ऑस्ट्रेलिया से। अभी के लिए बस इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहें क्रिक इन्फॉर्मर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।